सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि बीएसपी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि जब सभी दल एक साथ आ रखे हैं तो बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मायावती से हम समय समय पर इसको लेकर बातचीत करते रहते हैं। कांग्रेस में शामिल होने की बातों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिस तरह से तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से, तो क्या आपको लगता है कि बसपा को भी अब इसमें शामिल हो जाना चाहिए? जहां तक मेरा जाति ख्याल है, व्यक्तिगत विचार है, उसके हिसाब से तो शामिल होना चाहिए। सारे अपोजिशन को एकजुट होकर के इस सरकार का मुकाबला करना चाहिए। बाकी बसपा सुप्रीमो है, बहन मायावती जी जो निर्णय करेंगी, जो फैसला लेंगी वो अच्छा ही लेंगी और हम लोग उस फैसले के साथ होंगे। लेकिन सर, कल जब बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तो उसमें क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस की जो यूपी के नेताएं हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये डिमांड हुई कि बसपा को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए, उससे फायदा मिलेगा। लेकिन कल सपा ने इस बात का विरोध किया कि बसपा जो है वो भरोसेमंद नहीं है। अब इस पर मैं कमेंट करने की पोजिशन में नहीं हूँ, क्योंकि एक पार्टी ने अगर विरोध किया तो सब लोग मिल करके उसको डिसाइड करेंगे, उस पर फैसला लेंगे सब लोग मिल करके। जितने वो तो इंडिया घटक दल को, दलों को, सबको मिल करके उसके बारे में सामूहिक रूप से फैसला लेना है। तो क्या आप बहन जी से बात करेंगे कि जब सारे दल एक हो रहे हैं तो उनको भी आगे से और बढ़ना चाहिए? हम लोग समय समय पर करते रहते हैं और करेंगे भी। आपकी भी बात चल रही है कि आपकी राहुल गांधी के साथ फोटो जब से वायरल हुई तो लोग कह रहे हैं कि आप भी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं। ये बहुत बेबुनियाद है। और आप लोग जैसे ही राहुल गांधी से मुलाकात, तो मेरी जब मैं एमपी नहीं था और किसी सिलसिले में, स्पोर्ट के सिलसिले में, तमाम सिलसिले में शायद 20 साल से है, ठीक है। और हम लोग व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोस्ती रखते हैं। कल जब मैं पार्लियामेंट में बैठा था तो वो मेरे पास आ गए, मेरे पास ही बैठ गए और कुछ बातें करने लगे। उसके बाद पार्लियामेंट का जो सेशन, चूँकि सस्पेंडेड एमपीज थे तो सब बाहर थे, तो जब वो बाहर जाने लगे तो मुझे भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लिए। तो मैं तो इतना डरपोक नहीं हूँ मैं कहूँ कि नहीं, मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के, देखिए गाड़ी में बैठना, घूमना फिरना, खाना खाना, कहीं और भी साथ में जाना, इन बातों का कतई ये मायने नहीं है कि हम वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसका लेस मात्र भी हमारे दिमाग में नहीं है। और आगे आने वाले दिनों में, आज नहीं तो अभी मैं कह रहा हूँ, इसका खंडन यही है कि आगे आने वाले दिनों में आपको इस बात का खुद पता लग जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ पवन गौड़, नपकी टीम, दिल्ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। सभापति धनखड़ ने इस मामले को लेकर सदन में आपत्ति भी जताई। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उपराष्ट्रपति धनखड़ को फोन कर इस मुद्दे पर बातचीत की है और कहा है कि आपको जो आज सुनना पड़ा है वो मैं पिछले 20 सालों से सुन रहा हूं, मगर ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर देश के उपराष्ट्रपति होते हुए आपको ये सुनना पड़ा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सदन के बाहर राज्यसभा के सभापति का मजाक उड़ाया गया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सांसद की इस हरकत को लेकर उनकी तरफ से आलोचना की जा रही है। तो जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर मजाक बनाया गया था, उसके चलते अब टीएमसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और इसे लेकर जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से
सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी ट्वीट कर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री ने भी उन्हें कॉल किया है और कहा है कि मैं 20 सालों से ये सब सुनता आ रहा हूं जो आपको अब सुनना पड़ा है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर होने के बावजूद संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रखी है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उन्हें इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जगदीप धनखड़ से मिलकर मजाक उड़ाने की घटना की कड़ी निंदा की। दरअसल कल संसद के बाहर टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए मिमिक्री की थी, जिसके बाद से ही सियासत तेज है।